नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, वणक्कम देवियों एवं सज्जनों। सरदार पटेल सभागृह से मैं सुनील कुमार वाजपेयी, मेरे सहयोगी श्री अरुण श्रीवास्तव, इस शाम के आपके हम सफर आप सबका स्वागत करते हैं। तारीख 31 जनवरी और यह दिन रेलवे स्टाफ कॉलेज के बड़ौदा में स्थापित होने का दिवस है और इसलिए यह दिन हम हर वर्ष बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। मंच पर शोभायमान है हमारे विशिष्ट अतिथिगण। आज की मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल डॉक्टर श्रीमती कमला, विशिष्ट अतिथि श्री ए एन शुक्ला चेयरमैन, भूतपूर्व चेयरमैन रेलवे बोर्ड, श्री एम ए केसवाई भूतपूर्व सांसद, साथ ही मौजूद हैं हमारे महानिदेशक श्री नीरज कुमार, उप महानिदेशक श्री शर्मा, पुरस्कार विजेता और युवा अधिकारीगण। अतिथि सत्कार भारत की परंपरा है, अतः मेहमानों के स्वागत हेतु मैं अनुरोध करता हूं हमारे महानिदेशक श्री नीरज कुमार से कि वे अतिथियों को पुष्पगुच्छ प्रदान करें। सर श्री अनुषा, सुश्री अनुषा सहायता करेंगी, सुश्री भावना सहायता करेंगी। तम असीम तेरा प्रकाश चिर, खेलेंगे नव खेल निरंतर, तम के अणु अणु में विद्युत सा, अमित चित्र अंकित करता चल, सरल सरल मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ज्ञान के इस मंदिर में इसी दीप को आलोकित करने के लिए का अनुरोध कर रहा हूं मुख्य अतिथि महामहिम डॉक्टर श्रीमती कमला से। मैं मंच पर शोभायमान अन्य अतिथियों से भी आग्रह करता हूं। सर प्रोफेसर दीप्ति एवं प्रियंका इस कार्य में सहायता करेंगी। धन्यवाद महामहिम, धन्यवाद अतिथिगण। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हैं श्री ए एन शुक्ला। आइए मैं आपसे इनका परिचय करवाता हूं। श्री शुक्ला ने भारतीय रेल में लगभग 36 वर्ष की सेवा की और इस दौरान कई विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जैसे मंडल रेल प्रबंधक झांसी, महाप्रबंधक मध्य रेल, सदस्य मैकेनिकल रेलवे बोर्ड और अंततः इस विशाल भारतीय रेल के मुखिया के रूप में चेयरमैन रेलवे बोर्ड के पद पर भी कार्य किया। क्या मुझे मंजिल मिलेगी या नहीं इसकी न चिंता, क्योंकि मंजिल है डगर पर सिर्फ चलने का बहाना, मैं मुसाफिर हूं कि जिसने है कभी रुकना न जाना, है कभी सीखा न जिसने मुश्किलों में सर झुकाना। ऐसी है हमारी भारतीय रेल और ऐसे हैं इसके अधिकारी। ऐसे ही कुछ अधिकारियों को हम हर वर्ष पुरस्कृत करते हैं और आज भी कर रहे हैं। अतः पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के संचालन हेतु मैं आमंत्रित कर रहा हूं मेरे सहयोगी श्री अरुण श्रीवास्तव को। श्री अरुण श्रीवास्तव
महामहिम राज्यपाल डॉक्टर श्रीमती कमला से अनुरोध करता हूं कि वे अपने कर कमलों से आज इन पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार वितरित करें। Director General's medal are being given to the officers who have stood first in the different courses during the year. I will call the names of officers who are requested to come on the stage. I will also call the course in which they have stood first. Shri Rahul Jaipuriyar, Indian Railway Service of Engineers 2008 batch, is awarded Director General's medal in Group A Foundation Program. Shri Manish Pratap, Shri Manish Pratap, Indian Railway Service of Electrical Engineers, 2008 batch. He stood first in Group A Foundation Program. Ms. Anu Agrawal, Indian Railway Personal Service, 2007 batch. Group A Induction Program. Ms. Priya Agrawal, Indian Railways of Signal Engineers, 2007 batch, for standing first in Group A Induction Program. Shri Vivek Mathur, CEO, Senior Material Manager, Churchgate Western Railway, for Group D Induction Program. Dr. Anuradha Chopra, Assistant Divisional Medical Officer, Delhi Northern Railway, for Medical Induction Program. Dr. Manjesh Rathi, Assistant Divisional Medical Officer, Moradabad Northern Railway, for Medical Induction Program. Shri Pradeep Kumar Basu, Deputy Secretary to General Manager, Southeastern Railway, Kolkata, for Management Development Program. Shri Supriya Kumar Bandopadhyay, Deputy Chief Signal and Telecom Engineer, Southeastern Railway, for Management Development Program. Shri Salik Ram, Deputy Chief Electrical Engineer, Southern Railway, in Management Development Program. Shri H.K. Sahu, Deputy Chief Account Officer, Southeastern Railway, for Advanced Management Program. Shri R. Mohan Raja, Deputy Chief Personal Officer, Southern Railway, for Advanced Management Program. Time for Best Project Award. The Best Advanced Management Project Award goes to the project Strategic Talent Management Plan for Running Staff in Indian Railways. Participants are K.R.K. Reddy, Chief Commercial Manager, Central Railway. R.N. Meena, Deputy Chief Material Manager, Northwestern Railway. Shri Chetan Srivastav, Deputy Chief Electrical Engineer, Southeastern Railway. All the officers may please receive the shield. Best Management Development Project Award goes to Rehabilitation of Major Bridge No. 37,
on Kharagoda River between Station Patali and Kharagoda of EGKOD section of Ahmedabad Division of Western Railway. The participants are Shri S.D. Pandey, Executive Engineer, Ahmedabad Western Railway. कड़ी में इस वर्ष हम यह उपाधि श्री एम ए के स्वाई को प्रदान कर रहे हैं. मैं इनका प्रशस्ति आलेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं. उड़ीसा के एक अनजाने से गांव अरासा में 25 अक्टूबर 1953 में जन्मे श्री एम ए खारवेला स्वाई अपने अध्यापक पिता की 8 संतानों में से एक हैं. निम्न मध्यम वर्ग परिवार के दूसरे बच्चे महामेघवाहन एरा खारवेला स्वाई ने, जिन्हें खारवेला स्वाई के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है, हमेशा आगे रहकर नेतृत्व किया है. उनके पिता ने उनका नाम ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में कलिंग के महासम्राट खारवेल के नाम पर इस अपेक्षा के साथ रखा कि यह नाम उनके पुत्र को जीवन के उच्च शिखर तक ले जाएगा. राजनीति शास्त्र तथा उड़िया साहित्य में स्नातकोत्तर पदवी प्राप्त करने के बाद श्री स्वाई ने उड़ीसा के महालेखाकार कार्यालय में लेखा परीक्षक के रूप में कार्य ग्रहण किया. इस कार्यालय में उनके अधिकारी ने उनकी गोपनीय रिपोर्ट में टिप्पणी दर्ज की कि जब स्वयं को सही समझते हैं तब सदैव आगे रहकर काम करते हैं. यह टिप्पणी उनकी गोपनीय रिपोर्ट में विपरीत टिप्पणी के रूप में उनके पास आई तो उन्होंने इसका उत्तर दिया, मेरी यह प्रबल इच्छा है कि मैं इस दोष के साथ जीवन पर्यंत जुड़ा रहूं. और श्री स्वाई ने अब तक ऐसा ही किया है. ऑडिटर के रूप में कार्य करने के पश्चात श्री स्वाई 2 वर्ष के अल्पावधि के लिए उड़ीसा प्रशासनिक सेवा ग्रहण की और वर्ष 1980 में भारतीय रेल लेखा सेवा के जरिए भारतीय रेल में आए. आपने तत्कालीन अविभाजित दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर तथा बिलासपुर मंडलों पर कार्य किया. श्री स्वाई की हमेशा मान्यता रही है कि इस देश में कोई भी बड़ा बदलाव या विकास राजनीतिक कार्यपालिका के जरिए ही लाया जा सकता है. उनकी यह भी दृढ़ मान्यता है कि भ्रष्टाचार ही वह प्रमुख कारण है जिससे भारत प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक एवं मानव संसाधन होते हुए भी विश्व के विकसित देशों में शामिल नहीं हो पा रहा है. अतः श्री स्वाई ने राजनीति में जाने का निश्चय किया और 1988 में रेलवे से त्याग पत्र दिया. तब वे बिलासपुर मंडल पर वरिष्ठ मंडल लेखा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे. यहीं से उनके जीवन में एक नए दौर की शुरुआत हुई. आपने उड़ीसा के भद्रक में एक प्रिंटिंग प्रेस खोला और वहीं से विशेष खबर नाम से उड़िया भाषा में एक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित करना शुरू किया. यह समाचार पत्र तभी से सामाजिक दोषों के खिलाफ कठोर संघर्ष करता आ रहा है और जनता को बेहतर किस्म की सूचनाएं तथा अच्छे विचार उपलब्ध कराता रहा है. 1990 में श्री स्वाई ने सक्रिय राजनीति में पदार्पण किया और तब से आपने 6 लोकसभा चुनाव लड़े और 3 बार 1998, 99 और 2004 में क्रमशः 12वीं, 13वीं व 14वीं लोकसभा के लिए चुने भी गए. वर्ष 2004 के चुनाव में तो आप 553,000 मत प्राप्त हुए, जो उड़ीसा में अभी तक का सर्वाधिक मतों का रिकॉर्ड है. आपने अब तक 11 वर्ष सांसद के रूप में सेवा की है. लोकसभा में आपने एक प्रखर वक्ता के रूप में विपक्ष तथा शासन दोनों ही पक्षों से प्रशंसा प्राप्त की. 14वीं लोकसभा में आपको श्री एल के अडवाणी के बाद दूसरा सर्वोत्तम विपक्षी सांसद घोषित किया गया. आपने अपनी पार्टी के उप मुख्य सचेतक के रूप में भी कार्य किया और सदन में अपनी नियमित उपस्थिति से लोकसभा अध्यक्ष तथा अन्य सांसदों को बेहद प्रभावित किया. संसद में अन्य उपलब्धियों के साथ साथ आपने 10 वर्ष के लंबे समय तक वित्तीय स्थायी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया तथा विदेश मामलों, रक्षा तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालयों की परामर्श समिति के सदस्य के रूप में उल्लेखनीय योगदान भी दिया. पेटेंट चयन समिति के एक सदस्य के रूप में आपने पेटेंट कानून बनाने में देश की सहायता की. यात्रा अनुभवों के धनी आपने विश्व व्यापार संगठन में संसदीय मंच की संचालन समिति, कानकन विश्व कॉन्फ्रेंस में तथा राष्ट्रमंडल एवं संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों में सहभागिता सहित
विश्व के 18 देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आपने चुनाव क्षेत्र में पूरी तरह पारदर्शिता प्रदर्शित की है। आप उन सांसदों में एक हैं जिन्होंने अपने मतदाताओं में हर वर्ष पुस्तिका वितरित कर अपनी सांसद निधि में से हुए व्यय की विस्तृत सूचना उन्हें उपलब्ध करवाई है। आपके मतदाता आपको इस बात के लिए हमेशा याद रखेंगे कि आप इस चुनाव क्षेत्र में 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग लेकर आए, एक नई इंटरसिटी गाड़ी चलवाई और छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित भी करवाया। वर्ष 2007 तथा 2008 में आई भारी बाढ़ के दौरान आपने सारे देश से 1.5 करोड़ की राहत सामग्री जुटाई और बाढ़ से तबाह हुए घरों को फिर से बनाने के लिए 4 करोड़ रुपए की धनराशि भी एकत्रित की। श्री स्वाई के व्यक्तित्व के अन्य पहलू भी हैं। आप विदेश नीति, अर्थव्यवस्था तथा अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर उड़ीसा समाचार पत्रों के नियमित उच्च स्तरीय स्तंभ लेखक भी हैं। लघु कहानी लेखक श्री स्वाई ने 2 लघु कहानी संग्रह भी प्रकाशित किए हैं और यात्रा तथा विदेश नीति पर कई अन्य रचनाएं एवं लेख अभी प्रतीक्षाधीन हैं। आप प्रतिष्ठित नाटककार भी हैं। रेलवे प्रोफेशनल के रूप में भी आपने 80 के प्रारंभिक दशक में रेलवे स्टाफ कॉलेज में प्रोफेशनलों द्वारा तैयार किए गए एक नाटक का सफल निर्देशन तथा मंचन भी किया था और उसमें अदाकारी भी की थी। श्री स्वाई, मैं अब अनुरोध करता हूँ महामहिम राज्यपाल डॉक्टर श्रीमती कमला से कि वे अपने कर कमलों से यह आलेख श्री स्वाई को प्रदान करें। श्री स्वाई से आग्रह है कि इसे प्राप्त करें। श्रीमती आशा इस कार्य में सहायता करेंगे। धन्यवाद महामहिम, धन्यवाद श्री स्वाई। यह प्रशस्ति आलेख ही बतलाता है कि आज के हमारे विशिष्ट स्नातक का व्यक्तित्व कितना प्रखर है। अब आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं महामहिम डॉक्टर श्रीमती कमला को इन्हें संबोधित करने हेतु। आदरणीय श्री नीरज कुमार जी महानिदेशक रेलवे स्टाफ कॉलेज, आदरणीय श्री एन शुक्ला जी सेवानिवृत्त अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, आदरणीय श्री एम ए के स्वयं जी अति विशिष्ट स्नातक रेलवे स्टाफ कॉलेज, आदरणीय श्री सी पी शर्मा उप महानिदेशक रेलवे स्टाफ कॉलेज, आदरणीय श्री एमपी महोदय और सामने विराजमान सभी सम्मानीय महानुभाव और बहनों, मैं सबसे पहले उन सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ जिनको उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए और बहुत उल्लेखनीय अचीवमेंट्स के लिए अभी अवार्ड दिए गए हैं। रेल अधिकारियों के प्रशिक्षण के संस्थान को प्रारंभ वर्ष 1930 में देहरादून में स्थापित किया गया था और बाद में सन 1952 में वर्तमान परिसर प्रताप विलास पैलेस वडोदरा में चलाया जा रहा है।
मैं इस महत्वपूर्ण दिवस पर आप सभी रेल कर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। मैं उन सभी रेल प्रबंधकों को भी बधाई देती हूं जिन्हें आज इस समारोह में पुरस्कृत किया गया है। हमारे देश के विकास में भारतीय रेल की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये देश की अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है तथा देश के औद्योगिक विकास तथा आर्थिक प्रगति से सीधी जुड़ी हुई व्यवस्था है। रेलवे उत्पादन क्षेत्र हेतु कोयला, लौह अयस्क, कच्चा माल, कृषि क्षेत्र के लिए उर्वरक तथा खाद्यान्न, अवसंरचना क्षेत्र के लिए सीमेंट तथा स्टील उत्पादों एवं अन्य कई वस्तुओं के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये आयात निर्यात यातायात के लिए बंदरगाहों को तथा वहाँ से माल संचलन में उल्लेखनीय भूमिका दे रही है। साथ ही साथ हमारे विशाल देश के एक कोने से दूसरे कोने तक लोगों को पहुंचाने में, सामान को पहुंचाने में तथा अन्य व्यवस्थाओं के संदर्भ में इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय एकता में रेल संगठन का योगदान उल्लेखनीय रहा है। स्वतंत्रता से पहले भारतवर्ष अनेक भागों में विभाजित था, फिर भी रेलवे लाइन के जरिए से वह एक जुट हुआ हुआ था। समय के साथ साथ देश के दूर दराज क्षेत्रों में भी रेलों को विस्तृत करके वहां पहुंचाना संभव हुआ। रेलवे अब बाजारों को पोषित करती है, शासन के विभिन्न तंत्रों को जोड़ती है तथा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इस प्रकार रेलवे लगभग सभी राज्यों तथा क्षेत्रों को एक तंत्र से जोड़कर एक भारत को एक सूत्र में बांधती है। रेलवे भारतीय रेल एक प्रबंधन के अधीन सबसे बड़ा संगठन है और शायद विश्व का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला संगठन भी है, जिसमें लगभग 14 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। सरकार का यह वही ऐसा अंग है जो एक व्यवसायिक संस्थान तथा देश के विकास के वाहक दोनों के रूप में काम करता है। मैं इस बात पर विशेष रूप से बल देना चाहूँगी कि रेल अधिकारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उनके व्यक्तित्व को इस प्रकार से ढाला जाए कि वे अपने जिम्मेदारियों को भली भांति निभा सकें। रेल कर्मियों के कार्यों का प्रकार देखते हुए इस प्रकार के प्रशिक्षण ही ऐसे होने चाहिए जिसमें परिस्थिति से उत्पन्न दबाव और तनाव से मुक्ति पाने में वे समर्थ रहें, अपनी टीम का आगे रहकर नेतृत्व कर सकें, बिना भय पक्षपात के अपने कार्य को आगे बढ़ा सकें, उन्हें देश के दूरगामी हितों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त नीतियां बनाने की दिशा में कार्य करना है। रेल कर्मियों को अपने आप को परिस्थितियों के अनुरूप ढालने, नए प्रयोग करने, सृजनशील और प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के गुण सीखने होंगे ताकि राष्ट्रीय अखंडता तथा देश के भावी विकास के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। रेलवे स्टाफ कॉलेज विभिन्न श्रेणियों के रेल प्रबंधकों को शुरू से प्रशिक्षित करता है, अतः प्रत्येक रेल अधिकारी के लिए सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान के रूप में इसका विशेष स्थान है। प्रत्येक रेल अधिकारी रेल स्टाफ कॉलेज से होकर जरूर गुजरता है। रेल अधिकारियों के दिल, दिमाग तथा व्यक्तित्व के विकास की पहली जिम्मेवारी इसी प्रशिक्षण संस्थान के कंधों पर है। महानिदेशक तथा संकाय सदस्यों की उनकी टीम पर यह जिम्मेवारी है कि वे नए भर्ती प्रोबेशनरों तथा सेवारत अधिकारियों को कुशल एवं प्रभावी प्रबंधकों के रूप में ढालें और इससे भी अधिक ये है कि वे उन्हें कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार तथा विनम्र व्यक्तित्व बनाएं। ये तभी किया जा सकता है जब उन्हें सूचना एवं ज्ञान से सुसज्जित किया जाए, जिससे कि वे अपने कार्य क्षेत्र में दिन प्रतिदिन उनके सामने आने वाले सामान्य और असामान्य दोनों ही प्रकार के कार्यों को भली भांति पूरा कर सकें। आपके पास उपलब्ध सभी टेक्नोलॉजी तथा संसाधन तब तक कम ही पड़ेंगे जब तक कि अच्छे रेल प्रबंधक बनाने का ये कार्य प्रभावशाली ढंग से न किया जाए। अतः शायद इस कॉलेज की भूमिका भारतीय रेल के अधीन विभिन्न इकाइयों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि भारत एक बहुत विशाल राष्ट्र है और आबादी की दृष्टि से भी एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, और इतने बड़े राष्ट्र के एक बनाए रखना और एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक
राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल को हल करने में रेलवे का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि भारत की अखंडता, एकता और तमाम जो है जाति बिरादरी, तमाम जो ना खंड भूखंड, जितने भी पहाड़ी इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, समुद्री इलाका है, बर्फीला इलाका है, इस देश में तमाम जलवायु और तमाम तरह के भौगोलिक जो है ना आधार हैं, लेकिन इन सब को एक सूत्र में बांधने का सबसे बड़ा काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय रेल कर रही है। इसलिए भारतीय रेल में काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन अभी भी जितनी आवश्यकता है उसके मुताबिक और होने की ज़रूरत है, जिससे कि हम जो कमी खामियां हैं उनको और भी पूरा कर सकें। आज भी कई क्षेत्रों में बड़ी लाइनें चाहिए, छोटी लाइनें चाहिए, ज़्यादा फेरे चाहिए, ये सारी बातें वहाँ के लोगों की मांग बनी रहती है। इसलिए आज अगर देश में सबसे ज़्यादा सामान की मोबिलिटी, लोगों की मोबिलिटी, तमाम फौजों की मोबिलिटी, तमाम जो है ना साधनों की मोबिलिटी अगर जो है ना बहुत तत्परता के साथ में रखनी है, तो मैं समझती हूँ कि रेलवे को बहुत ही सुचारू और बहुत ही व्यापक आधार पर अपना सारी संरचना रखने की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि रेलवे में जो काम कर रहे हैं वो बहुत निष्ठा के साथ में, बहुत परिपक्वता के साथ में और बहुत सक्रियता के साथ में और बड़ी कुशलता के साथ में अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आज के इस अवसर पर मैं सिर्फ यही नहीं कहना चाहती कि रेलवे इस तरह की जो है ना एक साधन है, लेकिन ये भी कहना चाहती हूँ कि रेलवे के माध्यम से हम अपने लोगों को शिक्षित करने का भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, और वो जो है ना एक दूसरे जगह से जाने आने का ही नहीं बल्कि तमाम देश को विजिट करने का, देखने का, समझने का, आपस में तालमेल बैठाने का, इतना बड़ा राष्ट्र है, इतनी भाषाएं हैं, इतने जो है ना अलग अलग सोच विचार हैं, इतने अलग अलग धर्म हैं, इन सब को जोड़ने का काम ये रेल करती है, छुक छुक करती जाती है और तमाम के दिलों में जो है ना धड़कने पैदा करती है और तमाम को जो है ना राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का एक बहुत बड़ा मैसेज भी देती है। इसलिए भारतीय रेल अपने आप में राष्ट्र की एक अनूठी और एक बहुत ही जो है ना कीमती सौगात है, जिसे आप लोग अपने हाथों से संवारते हैं, सजाते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं। इसलिए मैं आप सबको उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और ये आह्वान करती हूँ कि आप कुशल एवं प्रभावी परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराकर इस महान देश के विकास एवं एकता के प्रति आपके उत्तरदायित्व का और भी अधिक तत्परता के साथ में निर्वाह करें। ये विकास तथा प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि आप निष्ठापूर्ण और समर्पित भाव से काम करते रहे हैं, उसी प्रकार से आगे भी इस विकास यात्रा को और अधिक गतिमान बनाए रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आज के इस आयोजन के लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देती हूं और एक बार फिर से अवार्ड प्राप्त किए हुए महानुभावों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। उम्मीद करती हूं कि हमारा ये कॉलेज आज जितनी अपने ज्ञान की जो है ना कहना चाहिए जो है ना सौगात हमारे अधिकारियों को दे रही है, उससे भी ज़्यादा और जो है ना ये कॉलेज आगे सौगात देगा, और बड़े अनुभवी और ट्रेंड और प्रशिक्षित जो है ना हमारे अधिकारी यहाँ से निकलते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सटेंड माय डीप ग्रेटिट्यूड टू हर एक्सीलेंसी डॉक्टर श्रीमती कमला हु टुक हर प्रीशियस टाइम टू कम हियर एंड ऑफर्ड अस हर ब्लेसिंग्स एंड गाइडेड अस टू डू बेटर इन आवर जॉब। आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू श्री एन शुक्ला our ex-chairman of the board, Mr. Sen, our distinguished alumnus. I'm also grateful to all the distinguished guests who took time off to come here. I'm also grateful to the representative of press, electronic media, and the
officer of PRM Ambaroda and his team. I want to place on record the excellent cooperation given to us by state government of Gujarat, especially the collector office, the commissioner office, and at the end, I'd like to extend my deep gratitude to DG, who took pains in organizing this beautiful ceremony with the help of all the faculty members. And I want to place on record the efforts and pains taken by all the employees of the Staff College Baroda. With this, we come to the end of this program. Thank you very much. Thank you.